कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा, बीजेपी द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी। बदलापुर शोषण केस के आरोपी का थाने में एनकाउंटर, पुलिस की रिवॉल्वर छीनने का आरोप, इंस्पेक्टर ने सेल्फ डिफेंस में चलाई गोली, फैमिली बोली साजिश है। बदलापुर एनकाउंटर पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए। यूपी में एनकाउंटर्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा जितने एनकाउंटर सवाल और संदेह के घेरे में है उन सबकी न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग की तैयारियां पूरी, दांव पर लगी 239 उम्मीदवारों की किस्मत, 26 सीटों पर 25 सितंबर को मतदान। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच ईसी का बड़ा एक्शन, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए 21 कर्मचारी सस्पेंड। भड़के शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, राजेंद्र नगर कोचिंग मामले में मांगा जवाब। अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद, वायरल वीडियो में प्रसाद में चूहे के बच्चे मिलने का दावा, मंदिर ट्रस्ट ने किया इनकार। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी सीएम को लिखी चिट्ठी, ब्रज क्षेत्र के किसानों को राहत देने की मांग। अमेरिका ने यूएनएससी में बदलाव की वकालत, भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराधा नायके का बड़ा बयान, कहा भारत और चीन के बीच सैंडविच नहीं बनना, दोनों देशों से हमारी दोस्ती, किसी एक का साथ नहीं देंगे। रूस को तुर्की से लग सकता है बड़ा झटका, अमेरिका ने तुर्की को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बदले F-35 फाइटर जेट देने का दिया ऑफर। इसराइल के हमलों के बाद लेबनान के साथ आया जॉर्डन, सुरक्षा संप्रभुता के लिए पूर्ण समर्थन की कही बात, फ्रांस ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का किया आग्रह। ईरान युद्ध नहीं चाहता, हमें संघर्ष में फंसाने की कोशिश कर रहा इसराइल, यूएन में बोले राष्ट्रपति पेजेशकियान। अमेरिका के डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट से बायजूस को बड़ा झटका, कोर्ट ने लोन नहीं चुकाने का पाया दोषी, ऋणदाताओं को दिया क्षतिपूर्ण का अधिकार। S&P ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.8% पर रखा बरकरार, अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI से सीखना चाहिए, पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने PCB की खोली पोल, जमकर सुनाई खरी खोटी। पेरिस फैशन वीक 2024 में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, आलिया भट्ट ने मेटेलिक ड्रेस में किया शानदार डेब्यू। जैकी भगनानी और वाशु भगनानी ने फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप।